ठीक है, मिलकर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना गाइस, कोई भी अगर नए हैं तो चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित बारा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी मैं हूँ झारखंड के डिस्ट्रिक्ट है, शहर है धनबाद, धनबाद में हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि धनबाद में जो है एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, बिग यूट्यूबर हैं, जिन्हें मतलब सभी जानते हैं, मनोज देव उनका भाई का नाम है और 2.6 मिलियन शायद उनके सब्सक्राइबर भी हैं। टेक की वीडियो बनाते हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों ने भी सीखा, मैंने भी कब से देखना शुरू किया था उनको और तब से जो कुछ भी होता है यूट्यूब पे न्यू अपडेट आता है तो भाई का ही वीडियो हम लोग देखते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर और देखते हैं मिलते हैं या नहीं। इधर हमारी जो भारत यात्रा चल रही थी कोलकाता शहर के लिए, तो यही पास में ही हाईवे है तो यहाँ पे हम रुक लिए थे, तो सोचा कि उन्हें भाई से भी मिल लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग रात को स्टे किए थे। तो अनुज भी जा रहा है। अनुज रेडियो रेडियो बिल्कुल तैयार है, एकदम चलते हैं भाई। चलिए भाई चलते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको मजा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से निकल कर हम ये एक चौक है, यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए बापू जी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, प्रतिमा। ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद चौक, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों धनबाद से चलकर लगभग 7 या 8 किलोमीटर आगे हम आ गए हैं। नीचे आप देख पा रहे हो काली मिट्टी, एक्चुअली में इधर कोयला खदानें हैं, इस वजह से यहाँ पर काली मिट्टी है। और यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, सभी के घर में नल वगैरह नहीं होते हैं, एक ही नल होता है, जहाँ पे लोग को लाइन लगाना पड़ता है आधा आधा घंटा के लिए। तो अभी देखिए इधर पीछे साइड में ये रास्ता गया है, इस साइड में जा रहे हैं। इधर कोयला खदान बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कोयला सबसे ज़्यादा कोयला यहीं झारखंड से ही जाता है, जिससे बिजली बनती है, सभी प्रकार के काम होते हैं कोयला से। तो इधर की रोडें पूरी काली हैं, इधर डंपर खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे डंपर कोयला खदान में ही चलते हैं। ये देखिए अभी उनको काला काला डंपर हो गया, ये देखो। अभी हम लोग उधर से आ रहे थे और लिफ्ट लिए, तो ट्रैक्टर वाले भैया ने कहा कि मतलब फ़ोटो वीडियो नॉट अलाउड, क्योंकि उधर जो है कोयले की खदान थी और बहुत ज़्यादा कोयला लोड हो रहा था, जो मालगाड़ी होती हैं मालगाड़ियों में कोयला लोड हो रहा था। वहाँ हमने देखा इतने ट्रक्स खड़े थे, कुछ कहने को नहीं। और जो मतलब कि पहाड़ी थी, कोयला वाली खान थी, वहाँ से धुआं निकल रहा था, मतलब आग लगी हुई थी ऐसा लग रहा था, चारों तरफ से धुआं ही धुआं। और बिल्कुल मतलब क्या था, अगर वीडियो बनाने देते तो मज़ा आ जाता आपको देख के। तो हमने देख लिया कोयला कैसे निकलता है और कैसे लोड भी होता है वहाँ पर देखा, और पूरी रोड काली काली थी भाई। आज फाइनली अभी हम लोग 2 किलोमीटर से चलते हुए आ रहे हैं और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब पसीना निकल आया है। इस रोड से हम लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है मनोज भाई के गांव में ही शायद पहुंचा है। तो अभी पूछते हैं यहाँ पे किसी भैया से, और पीछे मेरा बैग ना बैग लदा हुआ तो पूरा भीग गया है, चिप 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 लग रहा है। खाना नुच मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। बाल देखो क्या हो गए, बेड़ाहा वाले बाल। सो दोस्तों ये है चौराहा, ऐसा कुछ नज़र आएगा। इनके पिताजी की शायद शॉप इधर ही गई है, पता नहीं कहाँ है। ये देखो ऐसा चौराहा दिखता है भाई, और रोड पे काली 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 रोड दिखेगी, क्योंकि इधर जो है बहुत ज़्यादा कोल माइनिंग होता है यहाँ, मतलब कोयला खुदाने हैं इस वजह से। ये वाला रास्ता गया है मनोज भाई के घर की तरफ, इधर से चलेंगे हम लोग। तो गाइज आप देखिए इस साइकिल पर कोयला लदा हुआ है, आप बताइए इस साइकिल पर कितना किलो कोयला लदा हुआ है। एक ही आदमी लेके जाएगा, बताइए। एक आदमी लेके जाते हैं, स्टैंड देखो कैसा लगा हुआ है भाई साहब, ये होगा 2-3 क्विंटल। तो गाइज फाइनली हम मनोज भैया से मिल चुके हैं। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भाई लोग अभी 10:45 मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो आए थे काफ़ी ज़्यादा दूर से, कहाँ बोले, लखनऊ? लखनऊ से आ रहे हैं हम लोग। तो चलिए मिल के काफ़ी अच्छा लगा, बाकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा है, चैनल भी मोनेटाइज है, हाँ। सब कुछ सही है, काम कीजिए और क्या, रेगुलर वीडियोस बनाइए, मेहनत कीजिए। अच्छा भाई इससे क्या कहना चाहेंगे, जो हम लोगों ने हिचहाइकिंग करना स्टार्ट किया है? सही है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, है ना, सबका अपना अपना है। कोई कोई मोटो ब्लॉग कर रहा है तो बाइक से ही कितना दूर दूर चल जा रहा है, वो इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हमको जैसे बाइक चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, अब आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो क्या कर सकते हैं। हम लोगों को विदाउट मनी मतलब भारत यात्रा दर्शन करना है, इस वजह तो काफ़ी लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। ठीक है, मिलकर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना गाइस, कोई भी अगर नए हैं तो चैनल को। बहुत बहुत फिर कभी मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ठीक भाई, हमको मिलते, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक मतलब वो था कि आपके वीडियो देख रहे हैं, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया आप ही के वीडियो देख रहे थे। भाई लोग देखिए टेंट वगैरह सब लेके, ये पूरा कैंप लेके हम लोग चलते हैं, जहाँ रात हो जाती है वहीं मंदिर देख के, वहीं पे सबसे सिक्योरिटी रहती है मंदिर पे ही। मंदिर सही है, वहीं पे रुकते हैं, पुजारी जी से बात कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फाइनली हम भाई से मिल चुके थे, भाई से उनके घर पे, और भाई मतलब दो तीन दिन से यहाँ थे नहीं, वेस्ट बंगाल गए थे। तो ये मतलब हमारी किस्मत थी कि भाई मिल लिए, रात में आए थे, और रात में आए थे, जिम चले गए थे, और अभी एक भाई वहाँ पे खड़े हुए थे, मेघालय से आए हुए थे मिलने के लिए। कल से आया था वो भाई, कल से आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा, देखा आप लोगों ने वीडियो में, ज्योति श्री महतो का घर भी रास्ते में ही था उनका घर, बट हमने लिखा भी हुआ था उसमें विदाउट परमिशन, मतलब अंदर जाने के लिए मना था। और ज्योति श्री महतो जी तो है नहीं यहाँ पे, हमारा सोचा कि चलिए चलिए ठीक है। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।